भारतीय राजनीति का इतिहास वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, इसकी सच्चाई और कुछ छुपे राजों को जानना चाहते हैं, तो भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे यशस्वी भारत, कोविड-19, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल, भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक, नेपाल का संवैधानिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमारा सांस्कृतिक चिंतन, भारत इजराइल संबंध, स्वराज का शंखनाद, नक्सलियों के बीच मेरे बीते दिनों की रोमांचक गाथा। ये सभी किताबें आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आपका स्वागत है प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है पद्म सम्मान पर विवाद। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 4 हस्तियों को इस साल पद्म विभूषण, 17 हस्तियों को पद्म भूषण और 160 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियों में प्रमुख नाम है CDS जनरल विपिन रावत, UP के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधेश्याम खेमका, जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे का नाम भी पद्म विभूषण पाने वाले विभूतियों में शामिल है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले दिग्गजों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला, भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा इल्ला और उनकी सह संस्थापक पत्नी सुचारिता इल्ला के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य, एक्टर विक्टर बैनर्जी, गूगल के CEO सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यनारायण नडेला का नाम भी शामिल है। वहीं ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत आखिर कब हुई? पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी, जिसके बाद वर्ष 1978 और 1979 और वर्ष 1993 से 1997 के बीच संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर प्रतिवर्ष इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें पहला है पद्म विभूषण। ये पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च होता है। भारत रत्न के बाद ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1 से 3/16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है, जिसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इस फूल पर पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, साथ ही यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में तीसरा और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसका डिजाइन भी एक समान ही होता है। इसमें फूल पर पद्मश्री लिखा रहता है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार और उससे जुड़े विवाद। इस साल के पद्म पुरस्कारों की इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजने की घोषणा की है, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं पद्म भूषण सम्मान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण सम्मान दिया भी गया
तो मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ। इससे पहले उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विकास भट्टाचार्य ने इस पुरस्कार को फर्जी तक कह दिया था। पद्म पुरस्कारों के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ इस साल का मामला नहीं है। इतिहास में पद्म पुरस्कारों पर हुए विवाद, ऐसी ही एक दिलचस्प घटना सन 1961 में भी हुई थी। पद्म पुरस्कारों की स्थापना को तब सिर्फ 6 साल ही हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उस समय गृह मंत्रालय में सूचना अधिकारी हुआ करते थे। उस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए जितने नाम आए उनकी अंतिम सूची नैयर ने ही तैयार की थी। इनमें एक नाम श्रीमती लज़ारुस का भी था। वे पद्मश्री के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तरफ से नामित थी। नैयर को ये नहीं पता था कि इनका नाम किस वर्ग में शामिल किया जाए। उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि लज़ारुस ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इसलिए उनका नाम शिक्षा वर्ग में शामिल कर दिया। ये सूची जब राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो वे देखकर चौंक गए। नैयर एक मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं कि जिस महिला का नाम राष्ट्रपति ने दिया था तो एक नर्स थी और हैदराबाद से कन्नूर तक की यात्रा में एक बार उनके दल के साथ आई थी। इस समय तक पुरस्कार के लिए चयनित लोगों को इसकी सूचना भेजी जा चुकी थी और शिक्षाविद लज़ारुस पद्मश्री को स्वीकार करने की सूचना गृह मंत्रालय को भेज चुकी थी। नैयर ने इसके बाद एक टेलीग्राम उस दूसरी महिला को भी किया जिन्हें राष्ट्रपति ने नामित किया था। इस तरह उस साल लज़ारुस उपनाम वाली दो महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कारों में इस तरह की गड़बड़ियां कई दफे हुई हैं। इसकी एक मिसाल 2009 के पद्म पुरस्कारों में भी देखी जा सकती है। उस वर्ष जम्मू कश्मीर के हशमतुल्लाह खान को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। हशमत के बारे में सरकार का कहना था कि वे कश्मीर की विशेष कन्नी शॉल के कारीगर हैं और उन्हें इस कला को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। बाद में पता चला कि हशमतुल्लाह खान तो शॉल निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं। पद्म पुरस्कारों का चयन एक समिति करती है जिसमें कैबिनेट और गृह मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव और 5 गैर सरकारी विशेषज्ञ होते हैं। समिति के पास हर साल राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, एनजीओ और अन्य संस्थानों से पुरस्कार के लिए नाम भेजे जाते हैं। एक बार अंतिम सूची बनने के बाद ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। नामों की अंतिम घोषणा से पहले सरकार की विभिन्न एजेंसियां अपनी तरफ से इनका सत्यापन करती हैं। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे पूर्व राजनायक नटवर सिंह को 1984 में पद्म भूषण मिला है। वे खुद मानते हैं कि इन पुरस्कारों की स्थापना का एक दशक पूरा होते होते इनमें सिफारिशें चलने लगी थी। पद्म पुरस्कार पाने के लिए सिफारिश और लामबंदी की शुरुआत समिति में लोगों को नामित करने से ही शुरू होती है। इस प्रक्रिया से जुड़े सरकारी अधिकारियों के लिए ये कोई रहस्य नहीं है कि किस तरह राजनीतिक और नौकरशाह अपने करीबी लोगों को पुरस्कार दिलवाने के लिए सिफारिश करते और करवाते रहे हैं। यहाँ तक कि इस काम के लिए जनसंपर्क एजेंसियों की भी मदद ली जाती है। 2009 में पद्म पुरस्कार चयन समिति में शामिल रहे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर ने उस समय मीडिया से बात करते हुए ये माना था कि उनके पास भी कई लोग नामों की सिफारिश लेकर आते रहते थे। हालांकि उन्होंने कभी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया। कुलदीप नैयर भी पद्म पुरस्कारों पर कह चुके हैं कि उनकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना मुमकिन नहीं है। उनके मुताबिक बीते सालों में इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा कम हुई है, लेकिन इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उन लोगों का अपमान होगा जिन्हें पहले ये पुरस्कार मिल चुका है। पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पर अतीत में सचिव स्तर तक के अधिकारी सवाल उठा चुके हैं। 2009 में पद्म पुरस्कारों पर विवाद के समय पूर्व कैबिनेट सचिव कमल पांडे का कहना था कि प्रक्रिया को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी है कि समिति में ज्यादा विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। उनके अनुसार समिति पर तो ज्यादा दबाव नहीं होता, लेकिन अंतिम सूची तैयार होने के बाद मंत्रियों के स्तर पर इनमें नाम जोड़े एवं घटाए जाते हैं। राजनीतिज्ञों से लेकर नौकरशाह तक पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को विवादित मान चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम।